अच्छा जी, M700 की ये मशीन, इसमें जापान या बेगू में धागा कैसी चलती है? फिर राइट साइड पे मल्टी कलर या एक ही कलर का आप धागे चला सकते हैं, और दो लेफ़्ट साइड पे धागे चलते हैं, ठीक है। एक सुई को और एक छोटी लूपर में जाएगी खाकी धागे। ये मल्टी कलर वाला या एक ही कलर का जो धागा है, ये बड़ी लूपर तक जाएगी, राइट साइड वाला, ठीक है। तो इसका तरीका है, और एक एक चीज़ पर आप गौर करें तो कोई मुश्किल इसमें नहीं है। और ये धागा जो है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये बिल्कुल लूज़ रखनी चाहिए। इसका स्प्रिंग भी जो है वो बिल्कुल लूज़, और धागा भी बिल्कुल लूज़ होनी चाहिए। जो ऊपर नट लगे हुए हैं राइट साइड पे, चार नट है राइट साइड वाला, ये बिल्कुल लूज़ होना चाहिए, जो सबसे पहले नंबर पे है। इस मशीन में ये धागा यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करें, ये धागा आपने चिमटी की मदद से यहाँ तक लेके जाना है, फिर मशीन थोड़ा सा घुमाओ तो ये एंगल आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो इसमें पीछे की तरफ से इसको इसी तरह पकड़ के पीछे की तरफ से आप धागा डाल सकते हैं इसमें। फिर मशीन को थोड़ा सा आगे की तरफ घुमाओ या पीछे की तरफ, और ये लूफर आगे आएगी, और ये आखिरी सुराख में आपने धागा डालना है। ये पहला वाला धागा जो है इसका, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरी धागे का नंबर है, ठीक है। ये छोटी लूफर में जाएगी। ये जो नीचे सुई लगी है, इसको हम हमारी ज़ुबान में इसको लूफर्स कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाली सुई है वो तो आम ही सुई है। अब ये दूसरा धागा छोटी लूफर में जाएगी। अगर ये धागा किसी के बस में नहीं है, धागा ये वाला धागा थोड़ा सा नरम होता है, इसकी नोक नहीं बनती है, तो इसके बजाय आप दूसरा भी धागा चला के फिर उसके साथ ये वाला धागा बांध के आप मशीन में चला सकते हैं। अब ये छोटी लूफर तक धागा पहुंच गई है, यहाँ पर नीचे की तरफ से आपने धागा डालना है, ठीक है। और फिर आखिरी कोने में, आखिरी सुराख में आपने धागा डालना है। ये भी धागा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये धागा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ठीक है, ये दूसरे नंबर वाला। और ये सुई वाला जो धागा है, ये भी थोड़ा सा टाइट होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो सबसे राइट पे धागा है, जो कलर वाला धागा है, ये बिल्कुल लूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं ऐड कर दूँ। एक तो ये जो सुई है, सुई में ये जो नाली जैसी है, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक गई है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मशीन पीछे की तरफ घूमती है, ठीक है। तो आपने बाकी ये धागे इस तरह पकड़ के मशीन पीछे की तरफ एक दो स्टेप घुमाना है, ठीक है। इसका टांका शुरू हो जाएगा यहाँ। ये जापानी बेबी पीको में धागा जो चलता है, इसी तरह चलता है।